फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग पार्ट वाइज चल रहे हैं। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका हम लोगों ने भाग एक कर लिया, दो कर लिया जिसके अंदर नागरिकता थी, तीन कर लिया जिसके अंदर मौलिक कर्तव्य था, चार कर लिया जिसके अंदर नीति निर्देशक तत्व थे। उसके बाद भाग चार ए, ये हम आज वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो आपकी ये सीरीज चल रही है ना, ये बिल्कुल यूपीएससी प्री और मेंस को ध्यान में रखते हुए चल रही है। तो अगर आप कोई और एग्जाम दे रहे हो तो वो तो ऑटोमेटिकली आपका क्रैक हो जाएगा, अगर उसके अंदर पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे तो। ठीक है, और ज्यादा लेक्चर नहीं होंगे, सारे आपके 22 से 25 लेक्चर के अंदर आपकी कंप्लीट पॉलिटी हो जाएगी। तो आपको कोई इतनी मोटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हीं मोटी बुक्स में से छाट के बिल्कुल वो मलाई होती है ना, वो वाली लेके आए आपके सामने। तो इससे बाहर तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी कि हमारे कौन कौन से जो सब्जेक्ट है वो चल रहे हैं, जिसके अंदर आपका हरियाणा जीके है, नेशनल जीके है जो कि टॉपिक वाइज है, और आपका रीजनिंग जो शुरू से लेकर लास्ट तक वो आपका पार्ट कम्प्लीट हो चुका है, रीजनिंग का सिलेबस फुल कम्प्लीट है। उसके बाद आपकी इंग्लिश की सीरीज चल रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जिसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले कर चुके हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। पहले आप एक बार इस क्लास को शेयर कर दो, उसके बाद आके वापस ये क्लास देखना, इतना तो आप कर ही सकते हो, एक बार शेयर कर दो। अब देखिए भाई, यहाँ पे है सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो मूल कर्तव्य है, पहला क्वेश्चन बनेगा कि संविधान के अंदर, क्वेश्चन देखो किस टाइप से बनेगा। यहाँ पे है, अगर बोल दिया जाए कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है ही बोला है मैंने, तो आप ये मत सोचना कि मैडम पहले वाले संविधान की बात कर रही है, तो मैंने है ही बोला है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जो मूल संविधान होता है ना वो पहले वाला ही होता है। तो एग्जामिनर आपको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन देगा, वो बोलेगा मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आप बोलेंगे एक भी नहीं है। ठीक है, ये नहीं बोलेगा कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, फिर तो आप समझ ही जाओगे, इंटेलिजेंट हो। लेकिन वो बोलेगा मूल संविधान में कितने कर्तव्य हैं, मूल का मतलब ही पहले वाला होता है, तो उसका उसके अंदर आपका आंसर आएगा कि एक भी नहीं है, क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य है आपके वो आपके बाद में जोड़े गए हैं। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। कितनी है? 11। लेकिन ये 11 के 11 भी एकदम से नहीं जोड़े गए, पहले कितने जोड़े? 10, उसके बाद जोड़ा एक। ठीक है, तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? टोटल 11। ये बात आपको याद रखनी है, मूल संविधान में एक भी नहीं। उसके बाद देखिए भाई, पार्ट पूछ लिया जाए कौन से भाग में है, 4A में या फिर 4A में या फिर 4K में, तीनों में से कुछ भी आ सकता है, तो तीनों आपके राइट हैं। 4A बोल दे, 4K बोल दे, 4A बोल दे, तो तीनों क्लियर है। उसके बाद पूछ लेगा कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 51A के अंदर। कहाँ पे आपके मौलिक कर्तव्य? आर्टिकल 51A के अंदर, ये वाला पोर्शन कंप्लीट है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि जो मौलिक, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि संविधान है जो हमारा, वो अकेला संविधान नहीं है, यानी अकेला नहीं बना, वो बहुत सारे देशों से कुछ कुछ लिया हमने, जो जो चीजें अच्छी लगी, कहीं से कर्तव्य उठा लिए, कहीं से अधिकार उठा लिए, कहीं से मतलब प्रस्तावना, यूं कर करके टोटल मिला के तब आपका संविधान बना है। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। कहाँ से? पूर्व सोवियत संघ, रूस से आपके क्या लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। क्लियर। अभी यहाँ पे देखो, 10 मूल कर्तव्य पहले जोड़े भी, पहले ये वाला पोर्शन देखो, 1957 से स्वतंत्र, उस टाइम पे आपको पता है आपातकाल लगा था ना, तो आपातकाल के अंदर जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई भी, मोस्ट इंपोर्टेंट, 5 स्टार दे देना इसको, तो कि जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन सी समिति की सिफारिश पे बने थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसकी सिफारिश पे बने मौलिक कर्तव्य। तो इसमें क्या हुआ था भाई, जो आपका 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना, कौन सा? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अंदर, इसमें आपका क्या जोड़ा गया था, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 बोला है मैंने, 11 नहीं बोला। 10 मौलिक कर्तव्य किसमें जोड़े गए? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन है 1976 के अंदर, उसमें कितने जोड़े गए? 10। उसके बाद देखिए भाई, जो 11वां है आपका,
ग्यारहवां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर जो सा हुआ था उसके अंदर आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अभी जो ये संविधान संशोधन है ना, सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी मैं आपको करवा चुकी, आप एक बार वो क्लास भी जरूर देखिएगा। तो ये बात तो थी 11 के 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की। हाँ भाई, जोड़ दिए 11 के 11। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए मूल कर्तव्यों की अवहेलना करने पर दंड नहीं, ये क्या बात लिख दी मैंने। इसका मतलब है अगर आप किसी कर्तव्य की अवहेलना करते हो, मतलब उसको नहीं मानते हो, तो आपको दंड नहीं मिलेगा। मौलिक जो आपके अधिकार होते हैं अगर उनकी अवहेलना करते हो किसी के, तो आपको दंड मिलेगा। लेकिन मौलिक कर्तव्य होते हैं उसकी अवहेलना करोगे तो आपको दंड नहीं मिलेगा। यानी सिंपल सी बात है, ये हमारे मन की बात है, अगर हम मानेंगे तो ठीक है, ना मानेंगे तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्लियर। लेकिन हमें इनका पालन करना चाहिए, सिंपल सी बात है, नैतिक रूप से पालन करना चाहिए, वरना हम बाध्य नहीं है इस चीज के लिए। अब देखो, परिवर्तित नहीं, जो मौलिक अधिकार थे आपके वो परिवर्तित थे, उनको चेंज किया जा सकता है, लेकिन इनको चेंज किया नहीं जा सकता। नैतिक रूप से पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, ये वही बात है जो मैंने अभी बताई थी आपको। नेक्स्ट, टोटल 11 मूल कर्तव्य कौन से हैं वो अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर सीधा, खासकर यूपीएससी प्री के अंदर सीधा पूछा जाता है। इनमें से कुछ भी लाइन दे देंगे कि ये हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो इस करके हमें सीक्वेंस में याद रखना है, ये नहीं कि पहले ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये हाँ, सीक्वेंस में एक से लेके 11 तक लाइन वाइज याद होना चाहिए आपको। तो पहला है भाई, हमें संविधान का पालन करना चाहिए, संविधान के आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज जो हमारा तिरंगा है, राष्ट्रगान है जो हमारा, उनका आदर करना चाहिए। तो ये बात बोली गई है पहले में, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, वही आता है ना, संविधान आएगा, तिरंगा आएगा, राष्ट्रगान आएगा, उसके आदर्श आएंगे, तो ये कौन से में आएंगे, पहले में, क्लियर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना व उनका पालन करना। तो राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम पे जिन जिन लोगों ने आहुतियां दी हैं, यानी जो जो आदर्श अपनाए हैं, उनको अपने दिल में जगह देना और उनका पालन करना, ये हमारा कौन सा कर्तव्य है, दूसरा, ठीक है। पहले के अंदर संविधान था, राष्ट्र ध्वज था, राष्ट्रगान था, ये वाली सारी चीजें पहले में। दूसरे में देश को आजाद जिन लोगों ने कराया, उनका मतलब सम्मान करना। नेक्स्ट, संप्रभुता प्लस एकता प्लस अखंडता की रक्षा करना। ये तीनों चारों वर्ड आपको प्रस्तावना में देखने को मिलेंगे। इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, तो प्रस्तावना की वीडियो भी मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, बिल्कुल पूरी प्रस्तावना को लिख के एक एक वर्ड समझा रखा है उसका, तो आप एक बार वो भी देखिएगा। संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये हमारा कौन सा कर्तव्य है, तीसरा। अखंडता में देखो ए आता है ना, ए तीन के जैसा है, पेयर में याद कर लेना, संप्रभुता, अखंडता और आपकी एकता, किसमें आएंगे, तीन में। नेक्स्ट है, देश की रक्षा करना या फिर आह्वान किए जाने पर सेवा करें। हमें अपने देश की रक्षा करनी है, और देश आह्वान का मतलब होता है अगर देश के ऊपर कोई मतलब क्या बोलते हैं, कोई आक्रमण कर दे, और फिर प्रधानमंत्री आपको ये बोल दे कि हमें सभी को इकट्ठा होके मतलब देश की रक्षा करनी है, तो उसके लिए टाइम पे भी आपको क्या रहना है, तैयार रहना है, वो आपका कौन सा कर्तव्य है, चौथा कर्तव्य। यानी इसको याद कैसे करोगे कि विदेश के ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया ना, तो आपको वहां पे जाना है लड़ने के लिए फौज में, फिर आपको चार लोगों की बात नहीं सुननी, चार लोग कौन से, वही वाले जो कुछ कुछ बोलते हैं, तो चार लोगों की बात नहीं सुननी, चार मतलब भाग चार में क्या है आपका, देश की रक्षा करना, चले जाना आर्मी में, ठीक है। फिर है पांचवे में, मेल मिला, भाईचारा, भेदभाव से परे और स्त्रियों का सम्मान करना। ये किसकी बात है, पांचवे की, ठीक है। मेल मिलाप बढ़ाना, भाईचारा बनाना, भेदभाव से दूर रहना, इकट्ठे होकर रहना, स्त्रियों का सम्मान करना, पांच बातें पांचवें भाग में, ठीक है। पांचवें भाग में क्या है, मेल मिलाप, भाईचारा, भेदभाव से दूर, स्त्रियों का सम्मान करना, ये वाला आपका पांचवें में। नेक्स्ट, संस्कृति विरासत की रक्षा करना और सम्मान करना। जो हमारी भारत की संस्कृति है उसकी रक्षा करना, उसको बढ़ावा देना, उसका सम्मान करना, ये बातें किसमें है, भाग छ में, क्लियर। किसमें, भाग छ, छ को क्या बोलते हैं, सिक्स बोलते हैं ना, तो सिक्स संस्कृति, स स, ठीक है, सिक्स संस्कृति हो जाएगा। नेक्स्ट, सातवें में है, प्राकृतिक पर्यावरण, यानी जो वन, झील, नदी, पहाड़ वगैरह वगैरह जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है उसको बचाए रखना,
उसको बढ़ाना, तो ये बातें किसमें बोली गई है, साथ में। तो इसको कैसे याद करोगे कि वो बोलते हैं ना आओ साथ मिलकर पेड़ लगाएं, पेड़ प्रकृति तो होता है ना, और साथ मिलके लगाते हैं, साथ मतलब साथ, ठीक है, साथ मतलब साथ। तो भाग सात में क्या है, सॉरी मतलब जो सातवां अधिकार है हमारा कौन सा है कि भी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, पेड़ लगाना, ठीक है। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्ञानार्जन। विज्ञान का आप सभी को पता है विज्ञान ने आजकल के टाइम पे कितनी उन्नति कर ली है, तो इस बात का ध्यान सभी को होना चाहिए। साइंटिफिक मामले में सारे सबको अपना ज्ञान लेना चाहिए। मानवता सुधार, हित भावना सुधार, यानी जो हितों की रक्षा होती है ना वो वाला भी हमारे अंदर मन में होना चाहिए, और मानवता सुधार यानी मानवता भी होनी चाहिए हमारे अंदर में, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। तो ये बात किसमें बोली है, आठवें में। नेक्स्ट, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसकी सुरक्षा करना, ये भी हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। ऐसे बोलते हैं ना कि पब्लिक प्लेस पे कूड़ा ना फैलाएं, इस टाइप का वो करें ये करें, तो ये सारे हमारे मौलिक कर्तव्य में शामिल होते हैं। स्वयं व सामूहिक बेहतरी की ओर बढ़ाने का प्रयास करना, खुद को भी बढ़ाओ और समूह को भी यानी लोगों को भी, खुद का भी विकास करना और देश का भी विकास करना, ये बात बोली है भाग 10 के अंदर, ठीक है, खुद का विकास और देश का विकास दोनों का। भाग 11 मोस्ट इंपोर्टेंट, 5 स्टार वाला भाग 11 के अंदर क्या है, 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा देना, ये उनके माता पिता का क्या है, मौलिक कर्तव्य है। और ये जोड़ा गया था आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का पार्ट कई बार बना है ये क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से याद रखना। इसमें क्या है, ये इस जो ये पार्ट है कैसे कैसे क्वेश्चन बना है वो देखो। पहले बोलेंगे कि मौलिक अधिकार जो 11वां है वो कब जोड़ा गया, 2002 में। फिर बोलेंगे 11वां मौलिक अधिकार कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, 86वें के। फिर बोलेंगे कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो शिक्षा देना है वो कौन से भाग में है, तो भाग 4A में, भाग 4A में तो है मौलिक कर्तव्य। फिर बोलेंगे कौन सा कर्तव्य है ये, तो ये आपका 11वां कर्तव्य है। इस टाइप से ये सारा का सारा, ये वाली जो लाइन है ना ये तो बिल्कुल मतलब दिमाग में फिट कर लो, ये वाली लाइन तो एग्जाम का पार्ट बनती है और बनेगी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की पॉलिटी की क्लास, अगर अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।